गाइस मैं भी अपना एक स्लाइस ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। आरा के लोगों को जूम करके दिखाइए भाई। ये गया मेरे मुंह में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मुंह में जाते ही चीज एकदम मेल्ट हो गया, जैसे मुंह। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अमन द फूडी चैनल। और अमन द फूडी चैनल आ चुका है आरा के जेल रोड में स्थित डोमिनोज। डोमिनोज आप जानते ही हैं, बड़ा ब्रांड है जो हर सिटी में है। आरा में भी बहुत टाइम से खुला हुआ है। ये आप देख सकते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो आप देख सकते हैं, ये पिज़्ज़ा जो होता है इसमें देखिए, डिलीवरिंग ओवन बेक्ड पिज़्ज़ा 1960 से ये लोग सेल कर रहे हैं। और डोमिनोज तो एक अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, तो अंदर जाके बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कि डोमिनोज में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारा मेन्यूज है और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, सब लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी डोमिनोज में एक ऑफर है कि 6 फ्री पिज़्ज़ा ऑन 6th ऑर्डर। अगर आप 6th ऑर्डर करते हैं तो आपको पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। अब वो पता नहीं चीज़ बस्ट मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा, लोगों से जानते हैं और पूछते हैं डोमिनोज का कैसा फीडबैक है, कैसा टेस्ट है। कैसा लग रहा है आपको डोमिनोज का टेस्ट? अच्छा लग रहा है। हाँ तो पिज़्ज़ा में सबसे अच्छा है कौन सा, कहाँ का पिज़्ज़ा पसंद करते हैं? आरा का, मतलब डोमिनोज का या कोई और ब्रांड का? नहीं, डोमिनोज का है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैडम आपको डोमिनोज पसंद है? पिज़्ज़ा खाते हैं? हाँ, मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। बच्चों को पसंद है, चीज़ भी रहता है थोड़ा पसंद पसंद है। आप नहीं खाते हैं? अच्छा, हेल्थ को कंसिडर करते हुए आप कर लें। डोमिनोज का पिज़्ज़ा आप पहली बार खाने आए हैं या पहले भी खा चुके हैं? पहले खाए हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, सबका यही फीडबैक है कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। आइए कुछ इन लोगों से मिलते हैं। कैसा लगता है भाई डोमिनोज का पिज़्ज़ा? अच्छा लगता है, बहुत वाले से खाने। अच्छा लगता है। तो आप तो कई जगह मुझे मिले, ग्रिल इन में, आराम में, हर जगह जाते हैं खाने, तो यहाँ डोमिनोज का पिज़्ज़ा कैसा लगता है? यहाँ का बेस्ट है या और जगह का? खैर ये तो ब्रांड है, ये तो ब्रांड है, इसका तो खैर कहना नहीं, ये तो हर जगह ही अच्छा होता है, इसका तो नो डाउट हर जगह ही अच्छा होता है। आपको भाई कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं? अच्छा अच्छा, आप कौन सा ऑर्डर किए हैं? यही ऑर्डर किए हैं, हम तो पता नहीं है। अच्छा, ऑर्डर यही किए तो मेन्यू देखिए, जानिए समझिए, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मेन्यू जो भी ऑर्डर यही करते हैं। अच्छा, यही ऑर्डर करते हैं जी। भाई आप इनके कुछ हैं क्या, मतलब आप ही इनका ऑर्डर करते हैं, दोस्त हैं? अच्छा, तभी ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं जो एरिया है ये नो स्मोकिंग एरिया है, तो यहाँ पे स्मोकिंग एक ऑफेंस है, यानी कि यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है। सो गाइज, हम लोगों ने भी अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, अभी वो बन रहा है और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि कितने टाइम में बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अपना पिज़्ज़ा और उसको खाते हुए भी आपको उसको जायका प्रॉपर बताएंगे कि कैसा है। वैसे तो डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा होता है उसका जायका ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग गाँव के हैं और आरा से जो जितना ग्रामीण एरिया है वो लोग के लिए, वो लोग भी पिज़्ज़ा खाकर जानना चाहते हैं पिज़्ज़ा क्या है। शहर के लोग तो पिज़्ज़ा खा के ऊब चुके हैं, अब पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे ऐसा लग रहा है, इतना पिज़्ज़ा खा चुके हैं शहर के लोग। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग पिज़्ज़ा को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पिज़्ज़ा क्या है। आप आरा के हैं किसी गाँव के? अच्छा, गाँव में भी जाते होंगे आप, वहाँ के लोग पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं? अच्छा, गाँव में लोग नहीं रहते हैं। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी मेरा पिज़्ज़ा आने वाला है, मेरा ऑर्डर आने वाला है, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया है, हल्का फुल्का ही ऑर्डर किया है। और देखिए हम लोग का ऑर्डर आ भी गया है, ये देखिए गाइस, तो ऑर्डर आ चुका है। हमने ऑर्डर किया था, क्या ऑर्डर था भाई? मार्गरेटा बोलते हैं ना, मार्गरेटा चीज़ बस्ट। और देखिए ये अब एक मार्गरेटा चीज़ बस्ट ऑर्डर कर दिया है, और देखिए आपके सामने इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका जायका लेंगे, और जायका लेने के बाद बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। तो आप लोग भी इसे, ये काफ़ी मतलब पिज़्ज़ा अगर आपको खाना है और कम प्राइस में खाना है और आपको मतलब ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो आप ये अपने किफ़ायती मतलब कि किफ़ायती अंदाज में ही खा सकते हैं। 256 का ये बिल होता है और इसमें चीज़ बस्ट भी है। चीज़ बस्ट जब भी आए चीज़ बस्ट ज़रूर सेलेक्ट करें, मेरा ये मतलब पर्सनल ओपिनियन है, आप ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चीज़ बस्ट में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते हैं, इसको खोल के दिखाते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए गाइस, ये ओपन हो रहा है हमारा पिज़्ज़ा ब्रो, ये है हमारा चीज़ बस्ट मार्गरेटा पिज़्ज़ा।
आप एक बार देख लीजिए, मन अगर ललच जाए तो मुंह में पानी आ जाए तो फिर हमारी कोई गलती नहीं ब्रो। तो मेरे ब्रदर पहले टेस्ट करेंगे, पहले स्लाइस उठाइए भाई। कैसा है, गरम बहुत है क्या? गाइस ये देखिए चीज, आइए अब टेस्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कैसा पिज्जा है। तो गाइस मैं भी अपना एक स्लाइस ले लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसका जायका कैसा है। आरा के लोगों को जूम करके दिखाइए भाई। ये गया मेरे मुंह में। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। मुंह में जाते ही चीज एकदम मेल्ट हो गया, जैसे ही मुंह और चीज का स्पर्श हुआ ना गाइस, मतलब एक दूसरे को जब पास आए तो ऐसा लगा कि यहाँ आना सफल हो गया यार। जिंदगी में कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज की इतनी क्रेविंग होती है कि मन करता है कि उसको आज खा ही ले, तो पिज्जा उनमें से एक है। आपको मटन चिकन इन सब चीज की इतनी क्रेविंग नहीं होगी, लेकिन पिज्जा एक ऐसा चीज है अगर आप कुछ दिनों से नहीं खाए तो आपको इतना क्रेविंग होगा पिज्जा का, और जब वो मुंह में जाएगा, खास करके चीज बस्ट, कोई भी पिज्जा ले चीज बस्ट ले, और जब बहुत दिन से नहीं खाए हैं और उसके बाद आप चीज बस्ट पिज्जा एक बार मुंह में जाएगा, उसके बाद आपको यकीन मानिए कि आपका दिमाग और दिल सब होश में नहीं होगा, एकदम अल्टीमेट डिलीशियस है। पिज्जा कोई भी खाइए मगर डोमिनोज जो होता है बेस्ट होता है। मैं डोमिनोज ब्रांड में खड़ा हूँ, डोमिनोज अपने आप में बेस्ट है। इतना लोकल ब्रांड खुल गया और भी ब्रांड खुल गया, लेकिन अभी तक डोमिनोज नंबर वन पे है, नंबर वन पे था, नंबर वन पे रहेगा। पूरा पिज्जा खत्म हो गया, कैसा लगा आपको? बहुत ही टेस्टी, एकदम चीज बर्स्ट है, मजा आ गया। चीज देखिए निकल रहा है, देखिए मजा ही आ गया खा के। मजा आया ना? बहुत मजा आया भाई। सो गाइस हम लोग का पिज़्ज़ा ख़त्म हो चुका है और हम लोग ज़बरदस्त पिज़्ज़ा खा चुके हैं, मीडियम चीज़ बर्स्ट मार्गरेटा। और आज कुछ मूड नहीं था, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन से पिज़्ज़ा की क्रेविंग भी हो रही थी, आज यहाँ आकर खा लिए, पेट मन नहीं भरा, पेट भी नहीं भरा, और अभी तो बहुत सारा पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बट ठीक है आज इतना ही था, क्योंकि घर पर जाए खाना भी खाना है, फिर पता लगा वहाँ पर लाज जूता होने लगेगा, तो सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इसी के साथ ये छोटा सा ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा और आरा जेल रोड में स्थित है, और यहाँ पर आके आप पिज़्ज़ा खाना है, ओरिजिनल ऑथेंटिक पिज़्ज़ा आप यहाँ आ सकते हैं, खा सकते हैं। प्राइस वाइज जैसा डोमिनोज होता है वैसा ही है, अगर आप एक नॉर्मल पिज़्ज़ा खाएंगे तो आपको वन पर्सन के लिए अराउंड 150-200 मिनिमम पे करना पड़ेगा, छोटा से छोटा पिज़्ज़ा के लिए। अगर पिज़्ज़ा मैनिया आप खाएंगे तो 49 के आसपास मिलता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए गाइस। आपने अपने आरा में अमन भाई जो आपका चैनल है अमन द फूडी, उसको सपोर्ट कीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।